कल का दिन किसके लिए अच्छा हो सकता है या होने वाला है, किसके लिए बुरा होने वाला है, ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल क्या कहता है वो आपको दिखाते हैं। पांच राज्यों में वोटिंग के बाद हर कोई जानना चाहता है कि इन राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। इंतजार 10 मार्च का है, लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले पांचों राज्यों का एग्जिट पोल आ चुका है। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल। इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक बीजेपी को यूपी में 288 से 326 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 71 से 101, बीएसपी को 3 से 9, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। न्यूज 24 चाणक्य का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी को 294 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को यहां 105, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1, अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकती है। टाइम्स नाउ पीटो के मुताबिक बीजेपी को यूपी में 225 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 151, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 9, अन्य को 4 सीट मिल सकती है। जी न्यूज का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 223 से 248 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 138 से 157, बीएसपी को 5 से 11, कांग्रेस को 4 से 9, अन्य को 3 से 5। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 228 से 244, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 132 से 148, बीएसपी को 13 से 21, कांग्रेस को 4 से 8, अन्य को 2 से 6 सीट मिल सकती है। रिपब्लिक पी मार्क के मुताबिक बीजेपी को यूपी में 240 सीट मिल सकती है, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 140, बीएसपी को 17, कांग्रेस को 0, अन्य को 2 सीट मिल सकती है। उत्तराखंड के एग्जिट पोल की बात करें तो आज तक इंडिया टुडे एक्सिस का अनुमान है कि बीजेपी को उत्तराखंड में 36 से 46 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 20 से 30, आम आदमी पार्टी को 2 से 4, अन्य को 2 से 5 सीट मिल सकती है। न्यूज 24 चाणक्य के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को 43, कांग्रेस को 24, अन्य को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जी न्यूज के अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 26 से 30, कांग्रेस को 35 से 40, बसपा को 2 से 3, अन्य को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर के अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 26 से 32, कांग्रेस को 32 से 38, आम आदमी पार्टी को 2, निर्दलीय को 3 से 7 सीट मिलने का अनुमान है। गोवा के एग्जिट पोल की बात करें तो आज तक और इंडिया टुडे के एग्जिट पोल की माने तो 40 सीटों वाले गोवा में 15 से 20 सीट के साथ कांग्रेस सरकार बना सकती है, हालांकि बीजेपी के साथ कांग्रेस का कांचे का मुकाबला है। बीजेपी के हिस्से में 14 से 18 सीट, एमजेपी के हिस्से में 2 से 5, अन्य के हिस्से में 4 सीट आ सकती है। एबीपीसी वोटर के मुताबिक गोवा में इस बार त्रिशंकु विधानसभा के आसार है, बीजेपी को 13 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस गठबंधन को 12 से 16, एमजीपी गठबंधन को 5 से 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, आम आदमी पार्टी को भी 1 से 5 सीट मिल सकती है, इसके अलावा अन्य के खाते में 0 से 2 सीटों का अनुमान है। जी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान है, बीजेपी को 13 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 14 से 19। एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, उधर आम आदमी पार्टी भी 1 से 3 सीट ले सकती है। पंजाब को लेकर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी का जादू दिख रहा है। न्यूज 24 चाणक्य के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी को 100 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 10 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 6, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। एबीपीसी वोटर के मुताबिक कांग्रेस को पंजाब में 22 से 28, बीजेपी को 7 से 13, आम आदमी पार्टी के 51 से 61, अकाली दल को 20 से 26, अन्य को 1 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। मणिपुर में भी बीजेपी का चमत्कार दिख रहा है। एबीपीसी वोटर के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 23 से 27, कांग्रेस को 12 से 16, एनपीपी को 10 से 14, एनपीएफ को 3 से 7, अन्य को 2 से 6 सीट मिल सकती है। इंडिया टुडे एक्सिस के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को मणिपुर में 33 से 43, कांग्रेस को 4 से 8, एनपीपी को 4 से 8, अन्य को 6 से 15 सीट मिल सकती है। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो के मुताबिक मणिपुर में
बीजेपी को 28, कांग्रेस को 15 और अन्य को 17 सीट मिलने का अनुमान है। इन सभी एग्जिट पोल में एक बात सामने आई है कि यूपी में योगी राज बरकरार रहेगा। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिख रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का चमत्कार दिख रहा है। गोवा हंग असेंबली की ओर है। उत्तराखंड में आधे बीजेपी की तो आधे कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। मणिपुर बीजेपी के हाथ में ही रह सकता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।